इसको क्या मच्छी लाने बोला था और ये क्या लेकर आए हो तुम? कितनी बकवास मच्छी है ये। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बड़ी माँ किसी को मारने की बात कर रही है। तुम्हारी हड्डियाँ तोड़कर कचुम्बर बना के चाय में डाल के पी जाऊंगी। अरे बाप रे, लगता है बड़ी माँ बड़े पापा को बहुत मार रही है। मैं मालिक को बता देता हूँ। मालिक मालिक कहाँ है आप? मालिक मालिक सुन रहे हैं? मालिक मालिक अरे बुद्धू, इतना देर क्यों लगा दिया बाजार से आने के लिए? क्या कर रहा था तू? मालिक मैं आपको सब बताऊंगा मालिक, पहले आप मेरे साथ चलिए मालिक, चलिए। क्यों, किसको क्या हुआ, कहाँ जाऊँ और तेरी बाजार की थैली कहाँ गई? ये क्या हो गया, वो तो मैं रास्ते में ही भूल गया। अरे असल में जैसे ही मैंने सुना कि बड़ी माँ बड़े पापा को मार रही है, मैं आपको बताने आ गया। सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों मचा के रखा है? टीवी भी नहीं देखने देते शांति से। ओ भाभी, हरी भैया कहाँ है? अरे सुबह सुबह कोई मेंढक पकड़ने जाता है क्या? वो बाजार गए थे। अरे ये तो हरी भैया आ गए, क्या बोलते हो तुम? क्या हुआ है? इनकी बॉडी पर तो कोई मार्क के निशान भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही देखने आया था। मैं बस ऐसे ही देखने आया था। मैं जा रहा हूँ। तू एक बार घर चल बुद्धू, तुझे आज मैं सबक सिखाता हूँ। मैं सही में सुना था मालिक। मैंने तुझे कितनी बार बोला ना कि दूसरों की बात सुनने का नहीं बुद्धू, आज मैं तेरे कान काट दूंगा। बंद खिड़की से मेरे नाक का क्या संबंध है? मालिक कभी भी कुछ भी बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। आप कहीं जा रहे हैं बड़े पापा? अब ये लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? जा रहा हूँ मछली पकड़ने। सिर्फ कान ही नहीं, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ कर भी बोल सकता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। देखिए कितनी शर्माने वाली बात है ये, मैं भी तो अपनी पत्नी को ऐसे ही बोलता हूँ। लेकिन यहाँ केस क्या है, ये किसकी आवाज है? बड़े पापा तो मछली पकड़ने गए हैं, तो ये किसकी आवाज है? पकड़ के यहाँ से जाते हैं। राम 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 राम। ये इस उम्र में बड़ी माँ इश्क लड़ा रही है, ये कितनी आश्चर्य वाली बात है। क्या रे, इधर दूसरों के घर के सामने तू क्यों खड़ा है, क्या सुन रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा दादी माँ, तो आप सुन लीजिए। मैं तुम्हें हर वक्त बोलने को तैयार हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। तू तीसरी शादी का बंदोबस्त कर रहा है? क्या कर रही हो हरी की बीवी? बाहर आओ, किसके साथ प्यार के गुल खिला रही हो? बाहर आओ। क्या पागल हो गई है बुआ जी, ये क्या बकवास कर रही है? अरे मैंने अभी अपने कानों से सुना तुम्हें प्यार की बातें करते हुए। मैं हरी को सब बताऊंगी, फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। मुझे कोई डांट नहीं पड़ेगी, मुझे थोड़ा शांति से टीवी देखने दीजिए। जाइए यहाँ से आप। कितने दिन बाद अपनी पत्नी से मुलाकात हुई। मालिक वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर एक दो दिन और ज्यादा छुट्टी मिल जाती तो अच्छा होता। अरे मालिक बोल रहे थे बड़ी माँ से माफी मांगने, मैं तो एकदम भूल ही गया था।
यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति है और मुझे सब पता है वो कहाँ है। अरे बाप रे बाप, ये डकैत है क्या? मालिक ने बोला था दूसरों की बात सुनना पाप होता है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बुड्ढे को मार के मैंने जमीन में गाड़ दिया है, अब सब ठीक है। ये क्या सर्वनाश कर दिए, अरे बाप रे बाप। हाँ ये जरूर बड़ी माँ का ही काम है। मालिक मालिक, बड़ी माँ ने बड़े पापा को मार दिया, मालिक बड़े पापा मर गए, मालिक बड़े पापा मारे गए। दरोगा साहब, दरोगा साहब मेरे साथ चलिए, दरोगा साहब मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ चलिए। कौन है कौन है कौन है, ये कॉकरोच है क्या? ओ तो तुम इंसान के बच्चे हो। मार दिया बड़े पापा को, मार दिया। अरे अरे पहले मेरा पैर छोड़ो मेरा। अरे गुदगुदी हो रही है, अब बिना रोए बताओ क्या हुआ है, बताओ। हमारे बड़े पापा को मार के जमीन में दफना दिए हैं। आज वैसे भी कोई केस नहीं था, आज मैं उन लोगों को पकड़ूंगा। ए, ये खबर झूठी तो नहीं है, बोलो। मैं कसम खा के बोलता हूँ दरोगा साहब, अगर ये खबर झूठ निकली तो मैं तुझे यहाँ लाकर मामा का प्यार दूंगा। मेरे मामा का घर तो बहुत दूर है, ट्रेन में जाना होता है। तुम बुद्धू राम हो ना? ओए सब तैयार हो जाओ, जाना होगा। दरवाजा खोलो जल्दी, भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। पर वाले पुलिस यहाँ पे क्यों आई है? आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हम क्या चोर या डाकू है जो आप हमारी तलाशी लेंगे? ए, मिट्टी खोदो। अरे अरे अरे, आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? इसी जमीन में इंसान को दफनाया गया है। हैं? जमीन के नीचे मैंने हीरे जेवरात की बजाय इंसान को गाड़ दिया, ऐसा आपको लग रहा है? पर इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। इस हड्डी को पहचानते हैं? वो देखिए हड्डिया यहाँ कैसे आई है? मेरे बड़े पापा, मैं नहीं बचा पाया, मैं आपको नहीं बचा पाया बड़े पापा, मेरे बड़े पापा की आत्मा चिड़िया बनकर उड़ गई। थाना चलिए, आपने अपने पति को मारा है। पर मैंने क्या किया है? चलिए चलिए मेरे साथ। अगर तुम नहीं बताते तो इतने बड़े साजिश का पर्दाफाश नहीं होता। थैंक यू थैंक यू। ओहो, बुद्धू को इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर कहाँ रह गया बुद्धू? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं फंस गया बुद्धू? हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी से भागना होगा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये तो बड़ी माँ नहीं है, ये कोई और है। यहाँ किसी के आने से पहले हमें नदी तैर कर नदी के उस पार जाना होगा। हाँ मैंने सब देख लिया, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं खाना खा के आ गया भाग्यवान। कहाँ हो तुम? अरे ये क्या बुद्धू, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तो टीवी को क्यों तोड़ रहे हो? भूत, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे
मुझे माफ कर दीजिए बड़े पापा। बड़े पापा मैंने कुछ नहीं किया है, बड़े पापा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है बड़े पापा, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ हूँ? मेरे ससुराल में है तू, ऐसा लग रहा है कि तुझे जिंदा चबा जाऊँ। तुझे आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुझे आज मजा चखा के रहूंगा। अच्छा हुआ कि हरी भाई ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे याद आ गया मालिक, मुझे याद आ गया, मुझे कल बड़े पापा का भूत दिखाई दिया तो मुझे चक्कर आ गया था मालिक। जिंदे आदमी को तूने मुर्दा बना दिया, अच्छा हुआ कि हरी भाई ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। इसका मतलब बड़े पापा नहीं मरे हैं मालिक, किंतु मैंने जो सुना था कि बड़ी मम्मी बड़े पापा को मार के जमीन में दफना दी है। क्या तुमने मेरे पति को भूत कहा? अरे तुमने जो आवाज सुनी वो तो टीवी पर चल रही थी, चोरी का ड्रामा आ रहा था टीवी पर। तुम्हारी वजह से मुझे चोर समझकर पुलिस आकर पकड़ कर ले गई, मेरा घर भी खराब कर दिया, जमीन खोद कर चले गए वो लोग। तुम्हारी वजह से मुझे जेल तक जाना पड़ा। क्या तुम टीवी की आवाज नहीं पहचानते हो? अरे मिट्टी का टीला तो सुना था, लेकिन वो फिर हड्डी कहाँ से आया? वो जो हड्डी है उसका पुलिस को प्रमाण मिल गया है, वो कुत्ते की हड्डी है, बहुत पहले से ही इस जमीन में गड़ा हुआ था। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं और तुम्हें जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। मैं मूर्ख हूँ बड़ी माँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो। वो छोटे से बक्से में आदमी और औरत छोटा बन के कैसे घुस गए वो मेरे को पता नहीं चल रहा है बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ। आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे मालिक मालिक बचाओ मालिक, मालिक मुझे बचाओ मालिक, बड़ी माँ मुझे आज नहीं छोड़ेगी, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ। मालिक मालिक बचाओ। कितनी बार बोला है कि दूसरों की बात नहीं सुनने का, ऐसा लग रहा है कि तुझे जिंदा चबा जाऊँ। मार खा के देख कि तुझे कैसा लगता है।